साल 2022 में कदीर गिलानी ने अपने 14 साला बेटे के साथ पहाड़ों में सफर करने वाले खाना बदोशों के साथ मिलकर 85 दिन पर मुहिल पैदल सफर किया, जिसमें उन्होंने 14 पहाड़ी दर्रे भी पार किए। ये सफर भिम्बर आजाद कश्मीर से शुरू हुआ और देवसाई के खूबसूरत मैदानों में जाके खत्म हुआ। अखराजात के लिहाज से भी ये सफर कदीर गिलानी के लिए एक मुश्किल सफर था, जो उनके दोस्तों की मदद से पूरा हुआ। कदीर गिलानी ने खाना बदोशों के साथ रहकर उनकी जिंदगी को करीब से देखा और उनकी जिंदगी के मसाइल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। छोटे छोटे रस्ते तो गुजारने ही, कभी तय करना ही, कभी बड़े करना ही। ओ, 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 ओ। ये क्या हुआ सदीक भाई? वो बर्फ हो गया साहब। बर्फ पड़ गई? पड़ गई है, ये सिटी पड़ गई है। बर्फानी पहाड़ी दर्रे हों, अल्पाइन झीले हों, खूबसूरत शोरीदा आबशारे हों या घने जंगला, उन सबको सबसे पहले दुनिया में खाना बदोश कबीलों ने ही दरियाफ्त किया था। अल्लाह अकबर, 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 अल्लाह अकबर। खाना बदोश कबाइल, जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ खितों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि गुजर, बकरवाल, जाट, कूची, बंजारा, बद्दू वगैरह, ये हैं खाना बदोश कबाइल। वीजे और दस्तावेजात की कैद से आजाद, आंधियां हों, तूफान हों, जंगें हों या इलाकाई कशीदगी के मसाइल हों, इन बकरवाल की जिंदगी को बिल्कुल भी मुतासर नहीं करते। कितने रोटी वारा दे पक्का कितने पकती, पहाड़ों पर भी चलना, बर्फ पर भी चलना, बड़ी मुश्किल ना चलना, चलता चलता भावे शाम पै जा, जे बारिश होगी तो रोटी पकती, वहां जे लेवे फांडा वे टेंट उड़ जाने, भावे असा इसे दरिया बारी गुजारा। अगर बात की जाए तारीख इंसानी में सबसे पहले तर्ज जिंदगी की, तो वो भी खाना बदोश तर्ज जिंदगी ही थी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में अब भी इस कदीम तर्ज जिंदगी को अपनाए हुए इन खाना बदोश अफराद की तादाद 3 से 4 करोड़ है। ये कहानी पाकिस्तान में बसने वाले खाना बदोश कबीलों की है, ऐसे लोग जिनकी सकाफत और तहजीब पुरानी भी है और आम लोगों से मुख्तलिफ भी। सन 47 तो पहले जिला है ना, पर हजारी से नाग काजी नाग, काजी नाग जनाब साड़ी बैक हों, हमारा दादे परदादे की जमीन जिला था ना रियासी जम्मू, वो जमाना था, ये जमाना फिर हमारा दादा खत्म हो गया, मेरी वालदा, मेरा वालद, सब वो लोग खत्म हो गया, हमारी पैदाश हो गई इस इलाके की, आजाद कश्मीर की, तो हमको बस ऐसा करता 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 रह गया पीछे। हमको जमीन भी गीता जो नहीं किया हमने, जमीन हमको दिया ही नहीं। अच्छा जनाब, हम ये इधर से गर्मियों में हम ऊपर चलता जा अस्कदरू के इलाके में, सर्दियां में पेमर के इलाके में होता है, मीरपुर पेमर कोटली। खाना बदोश गुजर बकरवाल कबीले जो हजारों की तादाद में मौजूद हैं, जिनका तमाम तर गुजर बसर उनकी बकरियों के रेवड़ पर होता है, ये हमारे इस खूबसूरत और दिलकश मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह बकरियों के चारे की गर्ज से अपने रेवड़ और तमाम तर अहलो अयाल के साथ पहाड़ों में सफर करते हैं, जिनमें इनके बुजुर्ग, बच्चे और हामला खवातीन भी शामिल होती हैं। लोग इनकी बकरियों के रेवड़ देखकर समझते हैं कि ये बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है। असल में बकरियां पालने का कारोबार कर रहे हैं, जिसे ये इबादत भी समझते हैं। जैसा कि बकरियां चराना अंबिया कराम की सुन्नत है और कारोबार बेचकर ठाठ नहीं खरीदे जाते, ये अपने सालाना गुजर बसर के लिए साल के 5 से 10 बकरे बेचते हैं। बकरवाल अपनी बकरियां खुद कभी ज़बा करके नहीं खाते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो खुद इनका गोश्त खाएंगे तो उन्हें गोश्त की आदत हो जाएगी और वो अपना रेवड़ ख़त्म कर बैठेंगे, और अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे या तो किसी को बेच देते हैं या फिर गोश्त बनाकर मार्केट में बेच आते हैं। कुर्बानी के लिए सब दे बकरा नहीं होता है ना, मिसाल है 5-7 मेरा हो गया, 5-7 तुम्हारा, 5-7 दूसरे का हो गया, इस तरीके का होता है, वालों बेचता है हम,
वो बेच कर जनाब अली मारा वो जा पेट का खर्चा ही नहीं पूरा था। दौरान सफर अगर कोई बकरवाल फौत हो जाए तो उसे वहीं नजदीक कहीं दफना दिया जाता है। सफर के दौरान खाने पीने के हवाले से यह ज्यादातर चाय, दूध की कड़ी, दाल, जंगली सब्जी और सूखी रोटी वगैरह से गुजारा करते हैं और इनके रास्ते में आने वाले गांव के लोग इन्हें आटा, चीनी, चावल वगैरह देते रहते हैं। बकरवालों में एक रिवायत बहुत मशहूर है कि एक बकरवाल दूसरे बकरवाल की बकरियों के रेवड़ में नहीं जा सकता क्योंकि कहीं उसकी नजर दूसरे की बकरियों को ना लग जाए। गुजर बकरवाल बहुत मेहमान नवाज और मददगार होते हैं। ये अक्सर पहाड़ों में फंसे सयाहों की मदद भी करते हैं। बकरवाल अपनी शादियों में बेटियों को जहेज में बकरियां, खच्चर और घोड़े देते हैं। हर बकरवाल अपनी जिंदगी में ही तमाम रेवड़ का बंटवारा कर देता है और बच्चों में रेवड़ को बराबर तकसीम कर दिया जाता है। इसी तरह खच्चर, घोड़े और गधों की भी तकसीम हो जाती है। तमाम गुजर बकरवालों का कोटली में मौजूद दरबार बाजी अलिफ्दीन सरकार से अकीदत का रिश्ता है, जो खुद भी बकरवाल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। बाजी अलिफ्दीन सरकार के गोजरी जबान में पढ़े गए बैत अक्सर पहाड़ों में बकरवालों की जबानी सुनने को मिलते हैं, जो पहाड़ों के हुस्न में चार चांद लगा देते हैं। दीन बाजी रस्ते जांदे आया न सो लाम मिलियो ते सीना तप गए लाल तो दूर होयो मेरो दिल गो दागना दूर बाजी बाजी शाल केंदा मैं कुर्बान जाऊं मेरे बाप नू आन मौला अल्लाह पट छोड़े दे जीवने नू सोने लाकी अग दियां सूलियां चाड़ जांदे। बकरवालों के बारे में कुछ झूठी बातें भी मशहूर हैं कि ये जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं और इन्हें पत्थरों का भी बहुत इल्म होता है, लेकिन ये सरासर इल्जाम और बोहतान है। असल में इनके देखा देखी चंद आम लोगों ने बकरियां रखी हुई हैं और वो इन जैसे छोटे छोटे सफर करते हैं, लेकिन वो ना ही खाना बदोश हैं और ना ही बकरवाल, और इन्हीं में से कुछ लोग जड़ी बूटियों और पत्थरों का काम करते हैं। बकरवाल किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करते और ना ही जंगलात को काट कर जंगलात का नुकसान करते हैं। आम जंगल को ये बकरी के साथ जंगल नहीं मुकता है, जंगल मुकता आग के साथ और जड़ा चोर होता है वो कट कर अगर फरोख्त करता है वो सिर्फ जंगल मुकता है। तो ये जंगल जड़ा ये बकरी के साथ जंगल नहीं, नबी पाक की दुआ है बकरी को। ये घोड़े खच्चर वाला और बकरी वाला ये नबी का सदके नाल हम ये करता है सफर। मारे में ये हमारा छोटा बच्ची ये होता है, बड़ी बच्ची बीबी होता है, ये जनाब अली थक जाता है, टोर टोर के जनाब अली सुबह टूटता है, शाम को हमको अगर जगह ही नहीं मिलता, अगर जिधर हमको बैठता है उधर हम बैठने नहीं देता है, लड़ाई करता है हमारे साथ। ज़मीन नहीं है अपनी, अपना ठिकाना नहीं है, अपना मकान नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, तो उठ के फिर साथ ही रखना पड़ेगा। सो खोया जी दो खोया साथ ही रखना सही। उनको कल याद नहीं ना खेल के साथ ही सकते तो फिर अपने साथ रखेगा कि नहीं ठिकाना नहीं अपना जमीन नहीं है, बस फिर जो तंगी है सिब होता है वो फिर नाल ही बच्चे रखने पड़ेगा, बीमार है सुस्ती है वो नाल ही
जिधर खावन जाएगा उधर ही नाले। बकरवालों के इस सफर में गवर्नमेंट को जंगलात की चराई कीमत में फी जानवर के हिसाब से टैक्स अदा करते हैं। बहुत सी जगहों पर इनके गुजरने का गैर जरूरी टैक्स भी लिया जाता है जो कि गवर्नमेंट को नहीं जाता और जो इनके जिम्मे में भी नहीं आता। एक एक बकरी एक छुको लगे 5-10 हजार 15-20 हजार बाकी बकरिया जिसकी 10 बकरी है उनके भी 4-5-10 हजार पियो जिसकी 50 बकरी है उनके भी 10 हजार पियो त्रे जगह हमारे सर टैक्स वसूल करे। अफसोस की बात यह है कि हजारों सालों से ये लोग जिन रास्तों पर सफर करते हैं अब वहाँ पाबंदियों का भी सामना है। इसके अलावा बकरवालों की बकरियां चोरी भी की जाती हैं या जबरदस्ती गुजरगाह इस्तेमाल करने के लिए छीन ली जाती हैं, जिस पर अक्सर मकामी अफराद और बकरवालों के दरमियान लड़ाइयां भी होती रहती हैं। जनाब मैं आराम होने को हमको बहुत बड़ी तकलीफ हो गया है। तकलीफ ऐसा हो गया है जी हमको रस्ते में भी जगह नहीं मिलती, रात रहने की लोग हमको जनाब परेशानी करता है, हमारा माल चोरी करता है, अच्छा ऋण नहीं देता, ये देसी लोग जरा ये हमको तंग करता है। सरकारी जी जगह होता है कोई तो उधर अपने पौधा लग गया जी, पौधा लग गया जी। खाना बदोश जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में सफ़र करते हैं, इनकी सकाफत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। ये दम तोड़ती सकाफत पाकिस्तान की लाइव स्टॉक में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जिनमें काबिल ज़िक्र गुजर बकरवाल खाना बदोश हैं जो मजहबी एतबार से मुसलमान हैं। चीन, नेपाल, स्वीडन और कुछ ममालिक ने इनके हकूक के मुतालिक कवानीन बनाए हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को भी इन खाना बदोशों के रास्तों में आसानियों के लिए कानून बनाने चाहिए। इनको तालीम और सेहत के साथ साथ मुस्तकिल रिहायशी जगहों का भी बंदोबस्त और इनके सफरी रास्तों का तायुन करके इनकी मुश्किलात कम की जा सकती हैं। ना सर आज तक हम जाते आए हमने माजरीन सर्टिफिकेट बशंदो कार्ड कुछ भी नहीं मिली और कुछ हमने प्लाट अलग सामने कोई नहीं मिली। 3-4 पढ़े हुए हैं जमात, सारे बच्चे अनपढ़, सारी जिंदगी अनपढ़, असा भी अनपढ़ ही गुजरे हैं, बाप दादे तो अनपढ़। तालीम मेरे बकरियां खत्म हो जाएं तो तामी परवाह नहीं है, तालीम नहीं है इस वजह से हमने बकरी रखा है, हमारी ये कारोबार है। गुजर बकरवाल अपनी सकाफत को जिंदा रखना चाहते हैं, हमें भी इनकी सकाफत बचाने में अपना किरदार अदा करना होगा।